विष्णु नाम विख्यात हुआ, यानी सिद्ध हो गया कि विष्णु जी का पिता शिवयुग सदाशिव काल रूपी ब्रह्म। जैसा यहाँ देखिएगा, ये 101 पृष्ठ पर है कि उस काल रूपी ब्रह्म ने, वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं उन काल रूपी ब्रह्म ने, ये काल रूपी ब्रह्म है विष्णु जी का पिता और यह प्रकृति दुर्गा है इनकी माँ। ठीक हुआ। अब शिव ने उसका नाम धर दिया विष्णु, ये तो हो गया विष्णु उत्पन्न हुआ दुर्गा और काल से। अब यहाँ ये छठा अध्याय समाप्त हुआ, सातवें में ब्रह्मा जी कहते हैं देव ऋषि तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर साम सदाशिव ने पूर्वोत्पन्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया, यानी जिस तरह विष्णु की उत्पत्ति हुई फिर मेरी उत्पत्ति दुर्गा से हुई और काल के संयोग से। मुने उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि में डाल दिया और लीला पूर्वक वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल के से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कार्य है, बता। मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। अपना आत्मा ये हो गया। अब देखिएगा अध्याय नंबर 9 में और प्रश्न नंबर 110 पे शिव संक्षिप्त शिवपुराण रुद्र संहिता, रुद्र संहिता और ये लास्ट में। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीन देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। अब यहाँ चार हो गए, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तीन, और इनसे न्यारा जो है वो शिव, ये गुणातीत माने गए। इन तीनों में तो गुण है, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव शंकर, और ये काल भी शिव रूप विष्णु रूप ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है। तो शिव पुराण में जब जिसने शिव रूप में दर्शन करे उस व्यक्ति ने शिव पुराण की रचना की, तो इसको हीरो बना लिया शिव को, सदाशिव काल को। अब यहाँ ये अनुवाद करता पीछे तो असमंजस में पड़ गया कि विष्णु शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, लेकिन यह नहीं छुप पाई इनसे, इन तीनों से अलग है। फिर यह एक समस्या उत्पन्न हुई, कहने लगी तो रुद्र के बारे में कहा है, शंकर के बारे में नहीं। ये समस्या हल होगी, अभी दिखाते हैं 24-25 पृष्ठ 26 पे। एक बार ब्रह्मा और विष्णु की आपस में लड़ाई होगी, वो कह मैं तेरा बाप, वो कह मैं तेरा बाप, दोनों लड़ पड़े। ये देखिएगा विद्वेश्वर संहिता संक्षिप्त शिवपुराण, ये 24 पृष्ठ पे। और उसका जब ये दोनों का झगड़ा हो गया विष्णु और ब्रह्मा जी का, तो बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया काल ने, तेजों में स्तंभ पिलर खंबा, तो ये दोनों की लड़ाई बंद होगी। फिर वो स्वयं आकर प्रकट हो गया, ये 25 पृष्ठ पे। यहां से देखेंगे हम, ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, जब ये काल आकर खड़ा हो गया तो दोनों ने आपस में चर्चा की इस काल के साथ। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो सृष्टि आदि पांच कर्तव्यों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। तो भगवान शिव बोले, यू काल बोला, आगे ज्यादा ना बताऊं, यहां लेते हैं। अब 26 पृष्ठ पर आ जाते हैं। पुत्रो, ये काल बोलता है, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक दो कृत प्राप्त किए हैं। विष्णु और ब्रह्मा तो यहां तक हो गए, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप, मेरे जैसे ही आकार के, मेरे जैसे ही वेशभूषा वाले रुद्र और महेश्वर में ने, ये मैं नहीं या ने शब्द है, रुद्र और महेश्वर ने दो अन्य उत्तम कर्त्य
संहार और त्रोभाव मुझ से प्राप्त किए, परंतु अनुग्रह नामक कृत दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कृत्यों कर्म को भूले नहीं, इसलिए मैंने इनके लिए उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। अब ये दो तो ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए और दो ये हो गए रुद्र और महेश, चार हो गए और पांचवा ये बोल रहा है यो काल है। हमने यही सिद्ध करना था। यहां देखिए मैंने इनके बारे में बता रहा है कि रुद्र और महेश तो मेरे जैसे ही हैं, इन मेरे जैसे ही ये वाहन रखते हैं, मेरे जैसे ही इनके पास हथियार हैं। वे रूप वेशभूषा कृत्य वाहन और आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। अब ये क्या बताता है, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है, सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध करने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है ब्रह्म का। मेरी उत्तरवर्ती मुख से अकार, पश्चिमी मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार का और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। ये पांच अकार अकार मकार और अकार का और इस उकार मकार बिंदु और ये नाद, इन पांचों से मिलकर ये एक ओम मंत्र हुआ। इस प्रकार पांच अवयों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नाम एक अक्षर हो गया। अपने आत्माओं इससे फिर गीता जी का लिंक जुड़ेगा। आठवें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है, गीता ज्ञान दाता ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके काल बोल रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। तो यहां भी ये कह रहा है कि ओम मेरा एक अक्षर ओम है। अरिस ने देख नीचे नाड़ी ने क्या लिख दिया कि वह आकार रहित अकार आदि मकर कर्म से और मकर मकार आदि कर्म से कर्म से प्रकाश माया। ओम नमः शिवाय यह पंच अक्षर मंत्र है। इस ओम नमः शिवाय में ये अकार मकार ने होकर पांच से, और जबकि स्पष्ट कर रहा है कि इस प्रणव मंत्र में इस ओंकार में ही पांच हैं। ये उत्तरवर्ती मुख से अकार, दक्षिण मुख से पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण से मकार और पूर्ववर्ती से बिंदु, मध्यवर्ती से नाद, ये पांच, इन पांच अवयों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयों से एकीभूत होकर यह प्रणव मंत्र ओम नामक एक अक्षर हो गया। और ये ओम नमः शिवाय इसने लिखा भी अलग भाषा में है, ये राइटिंग में, तो ये मूल संस्कृत में नहीं है, ये मन गढ़ंत है, लोक वेद है, अनुवादकर्ता ने हिंदी वाली में फंसा दिया, लेकिन संस्कृत मूल भाषा में ऐसा नहीं है ये मंत्र। तो अब हमने ये मंत्र मान लिया, ओम भी छोड़ दिया, ओम नमः शिवाय, क्यों ओम भी माय आ गया इसके, नहीं सोच लिया हमने ओम नमः शिवाय इसकी लाजी रटना। अब इससे ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पूज्य पिताजी ये काल रूपी ब्रह्म है जिसको सदा शिव भी कहते हैं। ये ब्रह्मा कुमारी पंथ पूर्ण रूप से इस काल रूपी ब्रह्म को इष्ट और सुप्रीम पावर मानकर आधारित है और इसका मंत्र भी उनके पास नहीं है और इस काल की पूजा में सारी दुनिया को इसके मुख में डाल रहे हैं, भोली आत्माओं को और
उनका जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। अपने आत्माओं प्रसंग चल रहा है, आग गए ना बावड़े रहते भी सब जां, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना ना। अब तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है और काल इनका पिता है। और इस काल का विधान है कि यहां कोई भी जीव स्थाई नहीं है। जैसे ब्रह्मा कुमारी पंथ कैसे चला, अब क्या बताया है कि बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी लेकिन उसका लंबा चौड़ी बहुत बड़ी आयु है। कैसे है, एक चतुर्युग में सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग में 43,20,000 वर्ष होते हैं हमारे मनुष्यों के, और ऐसे ऐसे चतुर्युग के 1,000 चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन, 1,000 चतुर्युग की रात। हम सीधा लेते वैसे तो 1,008 होते हैं, इस प्रकार 30 दिन रात का बना हुआ एक महीना हो गया ब्रह्मा जी का, 12 महीनों का एक वर्ष हो गया, इस प्रकार 100 वर्ष बने, जो इतनी आयु होगी ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की ब्रह्मा जी से 7 गुना और विष्णु जी से 7 गुना अधिक आयु है शंकर भगवान की। ये तीनों मरेंगे, उसके बाद 70,000 बार जब ये शिव मर लेंगे, शंकर मर लेंगे, तमोगुण शंकर मर लेगा काल का पुत्र, इसकी 70,000 बार ऐसे इनकी मृत्यु हो लेगी, इतने ये 84,00,000 योनियों में जा चुके होंगे और नए पुण्यात्माओं को काल अब पत्नी दुर्गा से उत्पन्न करके ऐसे इन पोस्टों पर विराजमान करता रहता है। तो तब एक काल की मृत्यु होगी। गीताजी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये काल भगवान कहता है, ब्रह्म कहता है गीता बोलता हुआ श्री कृष्ण में प्रवेश करके कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। मेरा जन्म और मृत्यु जो होता है वो अलौकिक है। कैसे, ये काल जब मरता है 70,000 बार त्रिलोकीय शिव यानी तमोगुण शिव मर लेंगे तब, तो यू एक युग होता है उस अक्षर पुरुष का परब्रह्म का जो 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है। ऐसे ही फिर 1,000 युग का दिन, 1,000 युग की रात, 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष, ऐसे 100 वर्ष की आयु अक्षर पुरुष की परब्रह्म की, 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है ये ब्रह्म जो है काल, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको सर्वपुरुष कहते हैं और इस परब्रह्म को अक्षर पुरुष कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में इन तीनों का विशेष वर्णन है, परम अक्षर ब्रह्म का और इस सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष का। तो ये भी मरेगा। अब ये काल कहता है कि मेरा जन्म और कर्म अलौकिक हैं। कैसे हैं कि ये यहाँ मर जाता है जब 70,000 बार ये त्रिलोकीय शिव जो वर्तमान बैठे हैं, यो ब्रह्मा मरेगा क्योंकि ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूरे हो लिए और 50 और रहते हैं तो वो भी पूरे होंगे, यूँ मरेगा। उसके बाद ऐसे 7 और ब्रह्मा बैठा दिए जाएंगे, फिर विष्णु मरेगा, फिर 7 विष्णु ऐसे मर लेंगे, साथ में ब्रह्मा भी मरते रहेंगे, फिर एक शिव मरेगा, ये शंकर मरेगा काल का पुत्र। और जब 70,000 बार ये प्रक्रिया होलेगी तब एक काल मरेगा ब्रह्मलोक में, उसके बाद एक ब्रह्मांड का विनाश होगा और ये सभी प्राणी ऑटोमेटिकली परमात्मा परमेश्वर की कृपा से दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे। ये दुर्गा भी मरेगी, काल भी मरेगा और वहां चले जाएंगे, वहां जाकर ब्रह्म और दुर्गा का युवा शरीर ऑटोमेटिकली बन जाएगा उस कबीर परमेश्वर के द्वारा बनाए गए दिए गए वरदान के आधार पर। तो यह कहता है कि मेरे जन्म और कर्म आप जैसे नहीं हैं, मेरे मृत्यु तो होती है लेकिन मेरी कुछ और प्रोसीजर है जो तुम नहीं जान सकते। तो कबीर परमात्मा ने आके बताया ये तरीका। तो पुनः